नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल मलिक। जहां भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं सूर्य के दर्शन, जहां खत्म होता है धरती का आखिरी किनारा जिसे हिंदू ग्रंथों में कहा जाता है पाताल लोक, वहां पहुंच गया है आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का पूरा काफिला, बिल्कुल एंटार्क्टिका के करीब। गुरु जी कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ योग साधना और स्टार संवाददाता शाजिया इल्मी भी श्री श्री रविशंकर के काफिले में है। तो आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश ग्लेशियर पर गुरु। श्री श्री रविशंकर की लैटिन अमेरिका की इस पूरी यात्रा का यह सबसे खूबसूरत पड़ाव और सबसे ठंडा भी। हम आपको बता दें कि बर्फ की इस रुपेली चांदी के बीचों बीच हम करेंगे साधना और क्रिया। हार जमा देने वाली सर्दी और सनसन चलती बर्फीली हवा, लेकिन आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और उनके 300 शिष्यों का हौसला देखते ही बनता है। अर्जेंटीना के पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर पर जुटे हैं श्री श्री रविशंकर और उनके शिष्य। धरती के आखिरी छोर पर अंटार्कटिका के बिल्कुल करीब पहुंच गया है गुरुजी का कारवा। मेरे पीछे देखिए इस ग्लेशियर को, यह है पैट्रेगोनिया का इलाका। हम आपको बता दें ये यहाँ का मानसरोवर कहलाया जाता है दक्षिण अमेरिका का। श्री श्री के साथ सब लोग पहुंच गए यहाँ पे, सब तैयार हैं साधना के लिए। थोड़ी बहुत बर्फबारी भी शुरू हो गई है, लेकिन जैसे ही श्री श्री आए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सूरज भी चमकने लगा है, यानी कि कुछ देर और हम लोग इस बर्फ का आनंद ले सकेंगे। अर्जेंटीना के इस मानसरोवर को निहारने के बाद श्री श्री रविशंकर और उनके शिष्य योग साधना और आध्यात्मिक क्रिया के लिए इकट्ठे हुए। गुरु और शिष्यों ने जब शुरू किया ओम नमः का समूह गान, तो पूरा ग्लेशियर शिवमय हो गया। मानो बर्फ की सफेद चादर ओढ़े धरती और नीला आसमान इनके सुर में सुर मिला रहे हों। शिव की साधना ने भर दिया था श्री श्री रविशंकर के शिष्यों में नया जोश। आपने देखा, बस थोड़ी सी साधना, थोड़े से सत्संग का क्या असर है कि यहाँ की रुपेली रजाई ओढ़े हुई अलसाई धरती भी अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर हो गई है। शाजिया इल्मी, स्टार न्यूज, पेरिटो मोरेनो, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर से शाजिया इल्मी की रिपोर्ट। आखिर कितना दुर्गम और निर्जन है वो स्थान जहां पहुंचा श्री श्री रविशंकर का काफिला, जिसे हम कहते हैं पाताल लोक। वहां लगा शिव भक्तों का मजमा। अर्जेंटीना और चिली के बीच फैली 250 किलोमीटर की बर्फीली वादियों में अपने शिष्यों के साथ पहुंचे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर। बर्फ से ढकी जमीन, घने और निर्जन जंगल, दूर दूर तक आबादी नहीं। श्री श्री रविशंकर की योग साधना के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। दक्षिण अमेरिका का मानसरोवर कहा जा सकता है ये स्थान। कैलाश मानसरोवर से भी ठंडा, धरती का सबसे निचला स्थान जिसे हिंदू ग्रंथों में कहा जाता है पाताल लोक, वहीं पहुंच गए हैं श्री श्री रविशंकर। एक तरफ अंटार्कटिका और दूसरी तरफ चिली की सीमा, इसके बीच में है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। अर्जेंटीना के बिल्कुल किनारे स्थित इस ग्लेशियर की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ का करीब 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। पूरा इलाका पेटागोनियन आइस फील्ड कहा जाता है।
इसमें शामिल हैं कुल 48 ग्लेशियर, पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर इनमें से एक है। श्री श्री रविशंकर अपने शिष्यों के साथ पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर पहुंचे तो यहां हो रही थी बर्फबारी, लेकिन गुरुजी ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में भी चला रहे थे सिर्फ एक शॉल से काम। गुरुजी इतनी ठंड है, हम लोग की जान निकली जा रही है, आपको ठंड जरा भी नहीं लग रही? कैसे? नहीं ठीक है। इसीलिए आप गुरुजी शॉल तो लिया हमने भी। ये काफी है? हाँ काफी काफी। गुरुजी पहली बार इस ग्लेशियर की तरफ आप आए हैं? कैसे कैसे अर्जेंटीना के जो आर्ट ऑफ लिविंग चैप्टर है, कैसे सोचा उन्होंने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, इसका क्या महत्व है? दुनिया का जो चोर है ये आखिरी चोर है, यहाँ पर एक शिविर करने का सबका मन था बहुत समय से, अब टाइम निकाल के उसमें सब लोग आए हैं। बिल्कुल पूरे दुनिया का दक्षिण। हाँ हाँ, इसे आगे कोई जमीन नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग में अर्जेंटीना समेत अमेरिका और यूरोप के लाखों लोगों को दीवाना बना देने वाले श्री श्री रविशंकर हमेशा ऐसे ही सहज नजर आते हैं, चाहे वो किसी ग्लेशियर पर हो या भीड़ भाड़ वाले महानगर में। अर्जेंटीना के पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर से शाजिया इल्मी की रिपोर्ट। आपने हिंदी, संस्कृत, तमिल और मलयालम में तो कई बार शिव श्लोक सुने होंगे। आपने सुना होगा ओम नमः शिवाय का जाप, लेकिन क्या कभी आपने गिटार और वायलिन की धुन पर स्पैनिश में सुना है ओम नमः शिवाय? आइए हम आपको सुनवाते हैं। क्या आपने भगवान शिव का कोई भजन सुना है, वो भी अर्जेंटाइन की रिदम पर, जो अर्जेंटीना की जो म्यूजिक है, यहाँ का ताल है उस पर? आइए आपको सुनाते हैं। हेलो सिंह। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम शिव शंकर, शिव हर हर। तो आपने सुना ओम नमः शिवाय का भजन, वो भी एक कैफेटेरिया में अर्जेंटीना में। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, आगे आपको बताएंगे अर्जेंटीना में कैसे मनाया गया श्री श्री रविशंकर का जन्मदिन। आप देख रहे हैं हमारी लगातार खास पेशकश ग्लेशियर पर गुरु। श्री श्री रविशंकर को चाहने वाले दुनिया भर में हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अर्जेंटीना में मनाया अपना 52वां जन्मदिन। 15 मई को 15,000 भक्तों ने दी श्री श्री रविशंकर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारी रोशनी और
दिल को छू लेने वाला संगीत। कुछ इस अंदाज में अर्जेंटीना में मनाया गया श्री श्री रविशंकर का 52वां जन्मदिन। वो लोग जो ठीक से स्पैनिश के अलावा दूसरी भाषा तक नहीं बोल सकते, उनके होठों पर थे भक्ति के गीत। अपने वतन से हजारों मील दूर लोगों का इतना प्यार पाकर श्री श्री रविशंकर भी पूरी तरह भावना में डूब गए। राजधानी ब्यूनस आयर्स के स्टेडियम में इकट्ठा हुए गुरुजी के तकरीबन 15,000 शिष्य और सभी ने मांगी उनकी लंबी उम्र की कामना। जवाब में गुरुजी ने भी यहां मौजूद लोगों की जुबान का इस्तेमाल किया। ब्यूनस आयर्स के जिस फुटबॉल स्टेडियम में ये कार्यक्रम हुआ वो गुरुजी और उनके शिष्यों की मौजूदगी से कुछ पलों के लिए आश्रम जैसा नजर आने लगा। इन लोगों में अकेले अर्जेंटीना के ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों जैसे पेरू, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील और चिली तक के लोग शामिल थे। इनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो श्री श्री की आर्ट ऑफ लिविंग की दीक्षा ले चुके हैं। सन 1998 में गुरुजी ने महज एक परिवार को आर्ट ऑफ लिविंग की दीक्षा देकर अपने मिशन की शुरुआत की थी। तकरीबन एक दशक पहले शुरू हुआ सिलसिला अब कहां तक पहुंच चुका है ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। अर्जेंटीना से बल्कि पेरू से, बोलिविया से, कुनो से, ब्राजील से उनकी सालगिरह मनाने यहाँ पे आए हैं। खास तौर से जो स्टेडियम में मनाया जा रहा है म्यूजिक के लिए है और मेडिटेशन के लिए है, यानी साधना के साथ साथ सत्संग। शाज़िया इल्मी, स्टार न्यूज़, ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। श्री श्री रविशंकर की शख्सियत ही ऐसी है कि दुनिया के लाखों लोग आज उनके दीवाने हो गए हैं। गुरुजी ने कैसे की आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना और कैसे सिखाया दुनिया भर को साधना और सुदर्शन क्रिया का ध्यान, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। श्री रविशंकर एक तमिल अय्यर परिवार से हैं। उनका लक्ष्य है जो उनके संपर्क में आए सदा मुस्कुराते रहने का प्रसाद पाए। श्री श्री बचपन से ही असाधारण थे। 4 साल में ही भगवत गीता से उन्हें लगाव हुआ। कविताएं लिखना उनका शौक रहा। अपने बचपन के बारे में उनका कहना है कि तब शरीर भी बच्चों जैसा था और आज सिर्फ मन बचपन जैसा है। उनकी रुचि संगीत, नृत्य और नाटक में बहुत थी, खेलों में नहीं। बेंगलुरु के सेंट जोसेफ कॉलेज से स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना। शुरुआत हुई साल 1982 में, तब से जब कर्नाटक के शिमोगा में उन्होंने मौन साधना की। यहीं से हुई परम योगी की बताई सुदर्शन क्रिया की शुरुआत। यही बाद में उनकी आर्ट ऑफ लिविंग का खास हिस्सा बनी। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का सिद्धांत दिया। अपने ज्ञान की तलाश पूरी होने पर उन्होंने कहा कि मैं जैसा था वैसा ही रह गया, एक तड़प थी जो खत्म हो गई। सुदर्शन क्रिया के बारे में वो कहते हैं कि हमारी सांस, मन, शरीर और आत्मा सब में एक लय है। इस लय को एक साथ लाने को ही सुदर्शन क्रिया कहते हैं। श्री श्री महर्षि महेश योगी के भी संपर्क में आए, लेकिन ये साथ जल्द ही छूट गया। इसके बाद शुरू हुआ अध्यात्म का वो सफर जो आज भी जारी है। श्री श्री रविशंकर अब तक अपना संदेश लेकर 40 से भी ज्यादा देशों का सफर कर चुके हैं।
140 देशों में उनकी आर्ट ऑफ लिविंग के केंद्र हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ से भी न सिर्फ निमंत्रण मिला बल्कि श्री श्री वहां गए भी। उनकी इसी शख्सियत को देखते हुए उन्हें दो बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया जा चुका है। वो संगीत प्रेमी हैं, सितार बजाते हैं, जल तरंग पर भी हाथ अजमाते हैं। उन्हें पंडित जसराज और कैलाश खेर जैसे गायक पसंद हैं। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे उनका पसंदीदा फिल्मी गीत है। तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। सभी के लिए उनका एक ही संदेश है, मुस्कुराते रहो, हंसो और हंसाओ, न फंसो न फंसाओ। स्टार न्यूज रिपोर्ट। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। श्री श्री रविशंकर की एक और शख्सियत के खास पहलू से आपको रूबरू करवाते हैं। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का जादू अर्जेंटीना में भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति जूलियो कोबोस ने अपने सांसदों को सलाह दे डाली है कि वो संसद की बैठकों से पहले श्री श्री रविशंकर के बताए सुदर्शन क्रिया और ध्यान का अभ्यास करें। अगर वो श्री श्री रविशंकर के द्वारा बताए गए सुदर्शन क्रिया और ध्यान का अभ्यास करेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कल श्री श्री रविशंकर से मुलाकात के बाद कोबोस ने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग ने अर्जेंटीना के बहुत से नौजवानों की जिंदगी पर गहरा असर डाला है, बहुत ही ज्यादा सकारात्मक असर डाला है। कोबोस बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आए श्री श्री रविशंकर से। कोबोस ने श्री श्री रविशंकर को अर्जेंटीना की सेनेट में बुलाकर उन्हें खास तौर पर बाकायदा सम्मानित किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से कोबोस ने सम्मानित किया श्री श्री रविशंकर को, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। इसके बाद सुनने को मिला गुरुजी के शिष्यों का गान। सम्मान समारोह में कोबोस ने कहा कि श्री श्री रविशंकर अर्जेंटीना को अपना दूसरा घर मान सकते हैं। ये पहला मौका है जब अर्जेंटीना में किसी दूसरे देश के नागरिक को इस तरह से सम्मानित किया गया है। बाद में श्री श्री रविशंकर ने अर्जेंटीना की सीनेट को अपना संदेश भी दिया। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप लगातार देख रहे हैं स्टार न्यूज। आगे होंगे आपके साथ कौशल।